ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਪ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਬ੍ਰਦਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਜਾਦਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰ ਯੂਟਿਊਬ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬ੍ਰਦਰ दोस्तों मेरा नाम है संतोष जाधव और मेरे चैनल का नाम है इंडियन फार्मर। अभी पूरे इंडिया के काफी सारे फार्मर वहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं, लगभग 2 मिलियन के आसपास जी, और फेसबुक पे भी 0.5 मिलियन के आसपास अभी कनेक्ट हुए फार्मर। तो ये कम्युनिटी जो है अच्छे तरीके से अभी बढ़ रही है, ग्रो हो रही है, तो काफी मजा आ रहा है और ये मजा के साथ साथ काफी एरिया घूमने को भी मिल रहा है जी। जैसे अभी आज आपके पास आए पंजाब, ठीक है, तो पंजाब तो मैं बहुत बार आया हूँ, जब छोटा था तब भी आया था, वैसे भी आता था, लेकिन अब जो आया हूँ एकदम रियल वाला पंजाब, जो कि मैंने खेती देखा है यहाँ पे, ठीक है, खेती मैंने नहीं देखी थी जब से मैं पंजाब में एंट्री किया, जब से बठिंडा आपके आसपास के एरिया में आ रहा हूँ, पूरा मैंने देखा कि धान कुछ एरिया में कॉटन बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। आपके साथ कॉटन की वीडियो, धान की वीडियो भी हमने शूट की, ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ का जो सॉइल है, मिट्टी है, वो भी बहुत अच्छी है, जो कि आप जो फसल उसमें कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, वो एक बहुत ही बढ़िया है। सबसे अहम जो मुझे समझ में आया कि आपने जो चीज़ें बताई कि MSP प्राइस को लेके मार्केट में आप माल कैसे ले जाते हैं, ये एक यहाँ पे बढ़िया सिस्टम है जो कि चलते आ रहा है, आपने उसके बारे में बताया, वो बहुत ही एक अच्छा मुझे लगा कि फार्मर के लिए वो प्लस पॉइंट है यहाँ के, कि रेट एक अच्छा रेट मिलता है उनको, और यहाँ के फार्मर के फार्मरों में जो यूनिटी है वो थोड़े नाल मस्त है। हाँ जी हाँ जी तो वो तो है। किसान भरावो मैं तुहानू एक छोटी जी गल इत्थे ऐड कर दिया कि इन्नी दूर इन्हां ने कदे भी कॉटन की क्रॉप जिहड़ी लगी नहीं सी, हालांकि महाराष्ट्र के भी कॉटन हुंदा पर उत्थे होर तरीके दे नाल नरमा लगता है। जदों इन्हां नू मैं अपनी जिहड़ी बुक आई है नरमे की वह भेजी, इन्हां नू देख के पढ़ के बहुत ज़्यादा वधिया लग्या। नरमे की फसल भी देखी है, नरमे की फसल में काफी मुश्किलें हैं, उनके बारे में हम बातचीत की है, धान की फसल में भी देखा है आपने, आपको क्या लगता है पंजाब महाराष्ट्र से आगे है? अगर कंपैरिजन किया जाए, पहले बात में आपको ये बताऊंगा कि ये नरमा जो बुक है ये मैंने पढ़ी, मुझे काफी अच्छा लगा और मैं सोचा कि आपके साथ वीडियो लाइव करना और अच्छा मजा आएगा जी, क्योंकि आपने पूरा नरमा में एक एक बारीक बारीक चीजों में काफी अभ्यास किया है। और रही बात अगर कॉटन की, तो कॉटन हमारे कुछ इलाके में होता है महाराष्ट्र में, तो उस हिसाब से तो कमी है हमारे यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा दो आपके पानी की भी कमी है। हाँ, पानी की भी कमी, क्लाइमेट का डिफरेंस है, क्लाइमेट का डिफरेंस है, सॉइल का डिफरेंस है, काफी सारे डिफरेंस है। और रहा बात धान की, धान के हमारे यहाँ कोंकण एरिया में बस लगता है, बहुत सिलेक्टिव एरिया वहीं पे लगता है, लेकिन आपके यहाँ पे धान मैंने देखा पूरा जहाँ तक नजर जा रही है पूरा धान ही धान दिख रहा है। और यहाँ सबसे खास बात मुझे ये लगा कि अभी सुबह हमने ट्रैक्टर राइड की, यहाँ के मैंने फार्मर्स देखे, काफी मतलब फार्मर जो है काफी मेहनती है, ठीक है जी, मेहनती होने के साथ साथ कोई खेत खाली दिखा ही नहीं। और सबसे खास बात लगाव बहुत है, जो एक मेहमान नवाजी होती है ना वो बहुत अच्छी लगी मुझे। कल हम आए, खाना खाए, फिर सुबह ट्रैक्टर से गए, पूरा एकदम रॉ पंजाब देखने को मिला, सबसे बेस्ट तो ये मुझे लगा। ठीक है किसान भरावो, इन्हां दे खेतां दे विच कदे भी नक्के वड्डमा पानी नहीं लगता है, जिवें आपां कहिंदे वी खुल्ले च पानी नहीं लगता, जिवें आपां कहिंदे कि चाहे बोर दा होवे चाहे नहरी पानी होवे, दोनों ही पानी है नहीं इन्हां कोले, इन्हां कोले थल्ले पत्थर दे विच कंक्रीट दे सल मार के ते खूह बनाए होंदे आ, उत्थों इह चक के ड्रिप इरीगेशन करदे आ। आपने यहाँ कोई ड्रिप देखा ही नहीं है, मतलब ड्रिप का तो जानते ही नहीं लोग, होती क्या यहाँ पे, यहाँ पे तो मतलब फ्लड पे ज़्यादा इरीगेशन होती है क्योंकि पानी की बहुत तांत है, लेकिन ये धीरे धीरे कम हो रही है, हम भी इसके लिए काफ़ी चिंतित हैं कि आने वाले समय लिए हमको भी ड्रिप उठानी पड़ेगी। हाँ मुझे, आप फाइनली पंजाब की खेती को देखते हैं क्योंकि आप काफ़ी स्टेट्स में फार्मर को मिल चुके हैं, काफ़ी तरह की खेती के बारे में आप वीडियो बना चुके हैं, लेकिन फाइनली आप पंजाब के धान को, कॉटन को, गन्ना को और फसलों को आप क्या देखते हैं, फ्यूचर में आपको क्या लगता है पंजाब का? पहली चीज़ तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी साल डेढ़ साल से जो एकदम आंदोलन ये चल रहा है, इसकी वजह से जो माहौल खराब हो रहा है, मुझे तो लगता है ये खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मीडिया में वगैरह सब पंजाब गलत दिखाया जाता है। अगर मतलब 0.1% कोई नेगेटिविटी है तो उसको वो 100% दिखाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, रियल में देख रहा हूँ इतना अच्छा तरीके से लोगों में यूनिटी है, इतना अच्छा मेहनती फार्मर है, इतने अच्छे से खेती कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर थोड़ा फ्यूचर की इस फसलों में बात की जाए तो देखिए आपके एरिया में थोड़ा ड्रिप इरिगेशन मुझे देखने को नहीं मिली, ज़्यादा फ्लड से देखने को मिली, फ्लड से जो पानी है जी, वो बहुत खेतों में नुकसान हो जाता है, पहली चीज़ जमीन में दिक्कतें आगे चल के फ्यूचर में आ सकती हैं, तो मेरे हिसाब से ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करें जी, जो स्प्रे कर रहे हैं वो अच्छे से स्प्रे करें, ज़्यादा स्प्रे ना करें, और
तो ड्रिप इरिगेशन इस्तेमाल करने से क्या होगा कि हमें पानी कम लगेगा, फर्टिलाइजर हम ज्यादा दे सकते हैं, मतलब उसको मेंटेन कर सकते हैं, फसल की क्रॉप की जो यील्ड है वो हम 2 से 3 गुना कर सकते हैं जी, क्रॉप रोटेशन के ऊपर थोड़ा काम होना चाहिए। सबसे क्रॉप रोटेशन मेन बात, मैंने देखा कि अभी आपके एरिया में, अभी आपके खेत में नरमा और धान है और बाकी इधर उधर है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे कोई और चीज ट्राई करते हैं, कई सारे चीजें हैं जो कि हम फसल में, जैसे मैंने आपको जिंजर कहा ठीक है, या तो टर्मरिक कहा, ये भी आपके एरिया में हो सकता है, लेकिन ट्राई करना पड़ेगा नेक्स्ट सीजन में, क्रॉप पैटर्न चेंज करना पड़ेगा ठीक है। और एक खास बात ये है कि यहाँ पे धान और गेहूं का इतना बड़ा उत्पादन होता है कि पंजाब एक इंडिया को लीड करता है और महाराष्ट्र में भी है कुछ हद तक, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे ये उत्पादन होता है। आपके मतलब वहाँ बड़े लेवल पे गेहूं होती नहीं, अगर होती है तो वो गर्भ के लिए खाने के लिए पैदा होती है, आप नॉर्मली जो लोग खेती नहीं करते वो गेहूं यहाँ का जाता है वही खाते वो। हाँ ये बात तो सही कही। और एक फ्यूचर के हिसाब से देखा जाए, इंडिया को एक साथ आगे बढ़ना है तो हर जगह में एक ही फसल होगी तो वहाँ पे दिक्कत कर सकता है, थोड़ा बहुत क्रॉप पैटर्न चेंज चाहिए। और यहाँ पे जो मुझे खास चीज़ और एक लगी कि फसलों की जो बिक्री है वो उसकी जो इकोसिस्टम है ये अगर हमारे महाराष्ट्र में या और स्टेट में हो जाए तो लोगों को एक फिक्स इसलिए हाँ नेटवर्क में वेब चैनल में आप मेन स्ट्रीम चैनल पे देखते होंगे कि लोग पंजाब के लोग संघर्ष कर रहे हैं, पंजाब के लोग ये काले कानून के विरुद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन उसका कारण भी यही है कि सबसे बेस्ट अगर क्रॉप सेलिंग सिस्टम है वो पंजाब हरियाणा में है, और उस पंजाब हरियाणा में से भी सबसे ज़्यादा बेस्ट सिस्टम पंजाब में है। कैनल इरीगेशन सिस्टम सबसे बढ़िया यहाँ पे है, क्रॉप सेलिंग सिस्टम सबसे बढ़िया यहाँ पे है जी जी। तो उसकी वजह से शायद ये लोग थोड़ा मोटिवेटेड है, इंस्पायर्ड है, तो दूसरे फार्मर के लिए भी इस अच्छे सिस्टम को फैलाने की मांग कर रहे हैं जी। सभी को एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे प्रगत भाई है, मैं हूँ, और भी फार्मिंग सेक्टर में जो भी काम कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ें हम लोग नई नई बताने की कोशिश करते हैं तो ये फार्मर्स लोग ज़रूर इसको इम्प्लीमेंट करें, जिसका जो हम बता रहे हैं उसको ले काम में ज़रूर जी, ताकि उसका फायदा खेती में हो सके। ये नहीं कि वीडियो देख लिया और छोड़ दिया। सही है, कई सारे होते हैं वीडियो लोग देखते हैं और छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम सबको एक साथ एक कम्युनिटी एक जनरेशन लेके एक यूनिटी लेके आगे चलेंगे तो 100% हम एक साथ में आगे जाएंगे ठीक है। और जो विकास है फार्मिंग सेक्टर में वो अच्छा होगा। मैं इनको दोबारा टोक रहा था कि इन्होंने धान की वीडियो शूट की, कॉटन की वीडियो शूट की, कोई 5-6 मिनट में मुद्दा खत्म कर दे रही है, बोला नहीं नहीं 25-25-30-30 मिनट की वीडियो शूट की है ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज आ जाए। लेकिन मेरी भी कोशिश रहती है कि एक टॉपिक जिसको पकड़ें उसको वीडियो में पूरा खत्म कर डालें। तो आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब मेरा समय लगेगा मैं महाराष्ट्र जरूर आऊँगा, आपका पूरा काम काज देखेंगे, वहाँ फार्मर से मिलेंगे जी जी। कमेंट जरूर कीजिएगा, प्रगत भाई को महाराष्ट्र आना चाहिए कि नहीं, वहाँ की खेती एक्सप्लोर करने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्रॉप इन्फॉर्मेशन और इंडियन फार्मर। बहुत बहुत धन्यवाद।